पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप 2019 का शानदार आगाज हुआ किरोक्स क्रूसिबल थिएटर में, जहां हो रहे हैं क्वालिफाइंग राउंड मैचेस। अभी सिलसिला जारी है पहले राउंड के सनसनीखेज मुकाबलों का। पहला मैच खेला गया असद बुखारी और आसिफ हुसैन के दरमियान, जिसमें आसिफ हुसैन ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में मध्य मुकाबले आए एजाज अहमद और हाफिज मोहम्मद रिजवान। इस मुकाबले में फाते रहे एजाज अहमद, जिन्होंने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। सनसनीखेज मैच हुआ उस्मान अहमद और खावर महमूद के दरमियान। उस्मान अहमद ने 3-0 से बढ़तरी अपने नाम की और क्लीन स्वीप किया। चौथा मैच खेला गया रेहान हफीज भट्ट और हाफिज उस्मान आजम के दरमियान। इस मैच में रेहान भट्ट 3-0 से क्लीन स्वीप करके फाते करार पाए। नवीद अनवर ने 3-1 से कामयाबी अपने नाम की। मुआज अरशद ने 3-0 से बढ़तरी हासिल की और कामयाबी अपने नाम की। सातवें मैच में मोहम्मद रिजवान और अब्दुल रहमान चांद आमने सामने आए। अब्दुल रहमान चांद ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। आठवां मैच हुआ जैद अली और अली राणा के दरमियान, जिसमें जैद अली ने क्लीन स्वीप किया और 3-0 से कामयाबी हासिल की। नौवें मैच में मध्य मुकाबले आए मजहर और वजाहत अली। इस मैच के फाते रहे मजहर, जिन्होंने 3-1 से कामयाबी अपने नाम की। दसवें मैच में तलहा अली और रिजवान हैदर के दरमियान सनसनी खेज मुकाबला देखने में आया। रिजवान हैदर ने 3-2 से कामयाबी अपने नाम की। ग्यारहवां मैच खेला गया एजाज सज्जाद और नसीम शाह के दरमियान, जिसमें एजाज सज्जाद विनर करार पाए 3-1 के साथ। सनसनी खेज मुकाबले के बाद मसायब अली ने 3-1 से बढ़तरी हासिल की। तेरहवें मैच में मध्य मुकाबल रहे तनवीर और शेख एहसान, जिसमें शेख एहसान ने क्लीन स्वीप किया और 3-0 से कामयाबी अपने नाम की। चौथवा मैच अली हंजरा और मोहम्मद गुलजार अहमद के दरमियान खेला गया और अली हंजरा ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पंद्रहवें मैच में भी सनसनीखेज मुकाबला हुआ फुरकान मुश्ताक और सागर मुगल के दरमियान, जिसे फुरकान मुश्ताक ने 3-1 से जीता। सोलहवें मैच में मध्य मुकाबल थे नाजिम हुसैन और वकार अली। इस मैच में नाजिम हुसैन ने 3-1 से फतह अपने नाम की। सत्रहवें होने वाले मैच में हरीफ थे मोहम्मद तारिक और अली रजा, कामयाबी हासिल की अली रजा ने। अठारहवां मैच खेला गया फसीउर रहमान और उस्मान शरीफ के दरमियान, जिसे उस्मान शरीफ ने 3-1 से जीत लिया। 19वां मैच हुआ मोहम्मद अरसलान इमरान और वाजिद भट्ट के माबेन। वाजिद भट्ट 3-1 से फाते करार पाए। 20वां मैच उस्मान अली और खिजर अली के दरमियान खेला गया। उस्मान अली ने 3-0 से शानदार क्लीन स्वीप किया। 21वां मैच खेला गया सईद उस्मान और गौहर हमीद के दरमियान, जिसमें सईद उस्मान ने 3-1 से बढ़तरी हासिल की। 22वां मैच मोहम्मद जुबैर अरशद और दानिश अली के दरमियान खेला गया, जिसमें दानिश अली 3-1 से फाते करार पाए। 23वां मैच खेला गया मोहम्मद मुबीन और जैन हैदर के दरमियान, जिसके फाते थे 3-1 से मोहम्मद मुबीन। 24वें मैच में आमने सामने आए सलमान चौधरी और उमैर रियाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद उमैर रियाज ने ये मैच 3-1 से अपने नाम किया। 25वां मैच खेला गया उस्मान जावेद और मोहम्मद दाऊद इकराम के दरमियान, जिसमें उस्मान जावेद 3-2 से फाते रहे। 26वें मैच में उस्मान अहमद और आमिर वसीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए और आमिर वसीम 3-1 से इस मैच के फाते करार पाए। 27वां मैच खेला गया मोहम्मद फैसल और मौजम अली भट्ट के दरमियान, जिसमें मौजम अली भट्ट ने किया शानदार क्लीन स्वीप और 3-0 से कामयाबी हासिल की। 28वें मैच में मध्य मुकाबल रहे हम्माद भट्ट और खुरम शहजाद। हम्माद भट्ट ने किया शानदार क्लीन स्वीप और 3-0 से कामयाबी अपने नाम की। 29वें मैच में आमने सामने आए शेरोज और खावर बलोच, जिसमें खावर बलोच ने किया शानदार क्लीन स्वीप और 3-0 से कामयाबी समेटी। 30वां मैच हुआ मुदसर तनवीर और मोहम्मद कदीर भट्ट के दरमियान, जिसमें किया मोहम्मद कदीर भट्ट ने शानदार क्लीन स्वीप और 3-0 से कामयाबी अपने नाम की। 31वें मैच में मध्य मुकाबल हुए काशिफ नजीर और जाहिद मुगल, जिसमें जाहिद मुगल ने 3-0 से कामयाबी समेटी।
32वां मैच हुआ इमरान जाहिद और मोहम्मद अहमद चौहान के दरमियान, जिसमें मोहम्मद अहमद चौहान शानदार क्लीन स्वीप करके 3-0 से फाते रहे।